संकल्प किया कि मुझे 1100 ब्राह्मणों को भोजन कराना। और ये बात नामदेव को, नामदेव ने सुनी, बहुत भिन्न भिन्न कथाएं मिली। नामदेव थे गुरु, पका हुआ आदमी था महाराष्ट्र का। सुन लिया कि एक बूढ़ी की भावना है, एक माता जी की, और गरीब है बिल्कुल। कथा ऐसी आई कि एक दिन नामदेव अपने साथ एक को लेकर गए इस बूढ़ी माता जी के घर और भिक्षा मांगी। पहुंचा हुआ संत, सदगुरु की भूमिका में पहुंच गया था ये महापुरुष। एक बात आप और समझ ले मेरे भाई बहन, इसमें बुद्धि और तुम्हारा तर्क काम नहीं करेगा, केवल अनुभूति चाहिए। जो सदगुरु बन जाता है ना, उसको आदि गुरु से प्रेरणा मिलने लगती है। जितने सदगुरु संसार में हुए हैं उनको आदि गुरुओं से सीधा संदेश मिलने लगता है। बिना पढ़े, बिना देखे, बिना कुछ किए उसको परम संदेश उनके जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। ऐसा ही था महापुरुष। तो बूढ़ी माता जी के घर आए, हो भोजन बनाया, मन में तो वो संकल्प था 1100 को भोजन करा, परोस दिया। नामदेव जी बैठे, ब्रह्मार्पण करके भोजन किया, एक पातल में भोजन दिया था। जब भोजन पूरा हुआ, बुद्धि काम नहीं करती इसमें, लेकिन बनी घटना है, ये दंत कथा नहीं है, संत कथा है। अपने साथ जो था बालक,